प्रिया प्रिया श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया राधे श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया श्री वृषभ सुंदरी वृषभ रासेश्वरी रसिकनी नागरी रासेश्वरी रसिकनी नागरी श्यामा श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया श्यामा श्याम रटो श्याम यशोदानंदन श्याम यशोदानंदन वरदानी काटे भव बंदन वरदानी काटे भव बंदन लाडली प्रिया प्रिया गोपी श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया राधे श्याम रटो लाडली प्रिया प्रिया राधे श्याम रटो लाडली विश्वामित्र जी का चरित्र आज होने वाला है। ये ऋचीक जी के पुत्र थे और राजा थे। राजा होने के बाद इन्होंने सेना लेकर के देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए जब चले तो वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ा। वहाँ सारी सेना को वशिष्ठ जी ने भोजन दिया। जब इतनी बड़ी सेना को उन्होंने भोजन दिया, सेना में लाखों सैनिक हाथी घोड़े सारी सेना
और उसको सेना को रुकने का महल ये सब उन्होंने प्रबंध किया। जब इन्होंने प्रार्थना किया था, राजा आए हैं द्वार पर, तो उस समय ये राजा थे विश्वामित्र जी, और इन्होंने कहा भी कि हमारे साथ बहुत बड़ी सेना है, इन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, सबका प्रबंध हमारी आश्रम की माता करेगी, गो माता। सारी सेना बैठ गई, और सबको थाल सजा सजाया छप्पन भोग का, अनेक पदार्थ वो सब वशिष्ठ जी ने दिया। उस बात को देख करके ऐसे ही सम्मान एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन का किया था जमदग्नि जी ने, और वहाँ भी कामधेनु गाय के ऊपर झगड़ा हुआ था, और सैनिकों ने जबरदस्ती गाय छीन लिया था। इस कारण से परशुराम जी क्रोध करके गए, और उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन क्रोध करके आया, और ऋषि का सिर काट लिया। 21 बार इनकी माँ ने छाती पीटी थी अपने पति के वियोग में, इसलिए 21 बार इन्होंने क्षत्रियों का सिंहार किया। सारी संसार के क्षत्रियों को नष्ट किया। वही बात यहाँ थी, वशिष्ठ के आश्रम से विश्वामित्र ने देखा कि ये ऐसी गाय है कि न चूल्हा न चक्की न आटा न दाल न चावल न साग न दूध, दिव्य पदार्थ खीर छप्पन भोग उड़ते चले जा रहे हैं थाली में, परोसने वाला भी कोई नहीं है, फिर भी सारी सेना ने भोजन किया। और जब विश्वामित्र ने कहा गाय ये हमको दे दो, तो वशिष्ठ ने कहा कि ये गाय से पूछ लो
जाना चाहे तो चली जाए। ऋषि लोग त्यागी होते हैं, यद्यप गाय से ही यज्ञ होता है लेकिन वे किसी में आसक्ति नहीं रखते हैं। गाय ने ऋषि से कहा कि हे ऋषि, क्या आप मुझको अपने आश्रम से हटा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, मैं क्यों हटाऊंगा, तुम्हारे में शक्ति है तो रुक जाओ। तो गाय ने अपने शरीर से अनेक सैनिक प्रकट किए और उन लोगों ने विश्वामित्र के सैनिकों को हरा के भगा दिया। विश्वामित्र ने स्वयं युद्ध किया, दिव्य अस्त्र छोड़े, आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र। वशिष्ठ जी ने एक दंडा, ब्रह्मदंड उसका नाम था, रख दिया। उस ब्रह्मदंड के आगे सब अस्त्र फेल हो गए। जब फेल हो गए तो उन्होंने कहा ब्रह्म बलम बलम तस्य धिक क्षत्रियम बलम। बल तो ब्रह्म बल है जिसके आगे सब अस्त्र फेल हो गए, और अब मैं ब्राह्मण बनूंगा। ये क्षत्रिय थे, राजा थे और इन्होंने ब्रह्मर्षि बनने के लिए बहुत बड़ा तप किया। विश्वामित्र ने 1000 वर्ष तक दिन रात तप में लगे रहे और इनका जैसा तप हर ऋषि कर नहीं सकता है। तब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा तुम राजा ऋषि हो, राजा तो हो लेकिन ऋषि हम तुमको मान लेते हैं, लेकिन ब्रह्मर्षि नहीं माना उन्होंने। ये बड़े लगन के पक्के थे, जाने कितनी बार इनका तप नष्ट हुआ और ये हिम्मत ना ही हारे, लगे रहे दिन रात। ब्रह्मा जी राजर्षि कह कर चले गए, ये फिर तपस्या में जुट गए और अयोध्या में त्रिशंकु नाम का राजा था सूर्यवंशी, वो शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता था। वशिष्ठ के पास गया, उन्होंने मना कर दिया कि भगवान की मर्यादा है, हम उसको तोड़ नहीं सकते। विश्वामित्र के पास गया क्योंकि वो विश्वामित्र वशिष्ठ से चिढ़ते थे। वशिष्ठ ने उनको ब्रह्मर्षि नहीं माना था। त्रिशंकु ने कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ शरीर समेत स्वर्ग जाने का।
वशिष्ठ ने मना कर दिया। तब त्रिशंकु वशिष्ठ के पुत्रों के पास गया, उन्होंने भी मना कर दिया। तो उसने धमकी दिया, पुत्रों ने शाप दे दिया, तू चांडाल हो जा। वो विश्वामित्र की शरण में गया। विश्वामित्र ने राजा को आश्वासन देकर के यज्ञ कराने के लिए ऋषियों को बुलाया। वशिष्ठ के पुत्र महोदन, महोदय नाम के ऋषि थे, उन्होंने कहा हम तुम्हारा निमंत्रण नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे पिता ने अस्वीकार कर दिया। तो उन्होंने विश्वामित्र जी ने शाप देकर के भस्म कर दिया। इस तरह से इनका जो तप था वो खर्च हो गया। तप भोग से, काम और क्रोध से नष्ट होता है, ये नियम है। मनुष्य भोग से अपने तप को नष्ट कर लेता है, अक्रोध से। इसके बाद वशिष्ठ के पुत्रों को जलाने के बाद नए नए ऋषियों को बुलाया और यज्ञ शुरू कर दिया। तो उस यज्ञ में देवता नहीं आए, क्योंकि देवता जानते हैं कि मनुष्य यहां सशरीर स्वर्ग में कैसे आ सकता है। हम लोगों ने अमृत पिया है, अजर अमर हैं। मनुष्य का शरीर तो पंच महाभूतों को है, वो खाएगा, हगेगा, मूतेगा, मल मूत्र है। शरीर दुर्बल होता है, बुढ़ा होता है, वो स्वर्ग में नहीं आ सकता। फिर देवताओं में मनुष्यों में फर्क क्या रही? देवता नहीं आए, इन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा। जा, मेरे तप की शक्ति से आकाश में उड़ जा। जब वो गया तो इंद्र ने आकाश से उसको धक्का दे के नीचे फेंक दिया। क्योंकि ब्रह्मा का विधान नहीं है कि मनुष्य स्वर्ग में शरीर से आवे। मनुष्य जहां भी जाता है, ये मलमूत्र का शरीर है। गिरिराज जी में बुढ़िया पूनों को लाखों लोग आते थे, आते हैं और तमाम गंदगी फैला देते हैं। जहां जहां मनुष्यों का शरीर इकट्ठा होगा, गंदगी फैल जाती है। तो स्वर्ग में मनुष्यों को नहीं इजाजत है। विश्वामित्र ने जब त्रिशंकु को धक्का दिया स्वर्ग से और उसने रक्षा करो आवाज लगाई,
तो विश्वामित्र ने अपने तप की शक्ति से कहा, रुक जा। वो आकाश में रुक गया, उल्टा मुंह करके उसकी लार इतनी गिरी कि कर्मनाशा नदी बन गई। उस नदी में स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। और विश्वामित्र ने कहा कि हम दूसरा स्वर्ग बना देंगे। तपस्या बहुत किया था इन्होंने, दूसरा स्वर्ग बनाने लग गया ऋषि विश्वामित्र ने। दूसरे नवग्रह, दूसरे तारे, अंत में देवताओं ने हार मानी और इनके चरणों में आगे गिरे। ये मान गए, लेकिन इससे इनका तपस्या नष्ट हो गई। हजारों वर्ष जब ये तप करते थे, वो बड़ी जल्दी नष्ट हो जाती है। ये वहाँ से उठे और पुष्कर में गए। वहाँ तपस्या करने लग गए। फिर उन दिनों अम्बरीश का यज्ञीय पशु इंद्र ने चुरा लिया था और ये अम्बरीश दूसरे हैं। और महर्षि ऋचि के मझले पुत्र शुनाशेप को 100,000 गैया में और 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में खरीद करके शुनाशेप को यज्ञ में बलिदान देने के लिए ले चले। रास्ते में पुष्कर तीर्थ पड़ा। विश्वामित्र इनके मामा लगते थे। ये अपने मामा की शरण में गया शुनाशेप। और फिर विश्वामित्र ने अपने तप से इसको भी बचाया। इंद्र को बिना बलि दिए राजा को पूर्ण काम होने का वर दिया, शुनाशेप को दीर्घायु होने का वर दिया और सारा तप इनका ऐसे ही चला गया। फिर विश्वामित्र ने फिर से 1,000 वर्ष तक तप किया। बड़ा कठोर तप करते थे। इस बार इंद्र ने मीठी छुरी चलाई, क्यों क्रोध में तो इनको कोई हरा नहीं पाएगा, तपस्वी हैं। मेनका आई, स्वर्ग के सबसे सुंदरी थी, और विश्वामित्र जी को फंसा दिया। विश्वामित्र ने उससे संपर्क किया और शकुंतला नाम की लड़की पैदा भई। एक हजार वर्ष तक जो तप किया था वो मेनका के भोग में चला गया। इस बारे फिर से हिमालय पर गए। बार बार इनका तप नष्ट होता था, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते थे। इनके चरित्र से बड़ी शिक्षा मिलती है।
कि जो लोग तप करते हैं साधु लोग ज्ञान वैराग्य के साथ और भोग नहीं छोड़ते हैं, उनका तप ऐसे नष्ट हो जाता है। भोगै पुण्यक्षयं कुर्यवन् अभोगै अशुभक्षयं। ध्रुव जी को जब राजगद्दी मिली, भगवान ने दिया, नहीं तुम अभी 36,000 वर्ष राजा बनो, फिर ध्रुव लोक के बाद हमारे पास आना। ध्रुव जी बड़े चतुर थे, उन्होंने उतने ही भोग भोगा जितने में जीवन निर्वाह हो। भगवान ने गीता में कहा है, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, 4:21। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। शरीर में हम जीते रहें, भजन करें, इसके लिए भोजन जब करता है मनुष्य। शारीरम केवलम कर्म, तो उसमें पाप नहीं लगता है। आसक्ति के साथ भोजन किया जाए रोज नए नए पदार्थों को, तो वो भोग कहलाता है। जिस भोग में आसक्ति नहीं है, शरीर रक्षा के लिए किया जा रहा है, उसमें पाप नहीं लगता है। तो उन्होंने ध्रुव जी ने भोगई पुण्यक्षयम कुर्बन, जो राजा हैं आखिर राजा खाएगा पिएगा तभी काम करेगा, तो पुण्य तो अवश्य नष्ट होता है लेकिन पाप नहीं लगता। कुर्बन नापनोति किल विषम। और जो थोड़ा भाई भोग से पुण्य नष्टा होता है, अभोगई अशुभक्षयम, जब मनुष्य त्याग कर देता है तो पाप जल जाता है। हमारे सामने सुंदर थाली आई और हमने, जैसे रंती देव के सामने थाल आया उसको दान दे दिया, तो पाप नष्ट हो जाएगा। और आसक्ति के सब के साथ सब खुदा ही खा गए तो पुण्य नष्ट होता है। पाठ के पाने वाले को पाप नहीं लगता। ध्रुव जी ने राज्य किया 36,000 वर्ष तक, लेकिन अभोगई अशुभक्षयम, त्याग से पापों का नाश करते हुए उन्होंने राज्य किया। तो वैश्वामित्र जी ने 1,000 वर्ष तक फिर तप किया, ब्रह्मा जी फिर से आए और उन्होंने इस बार महर्षि कहा। पहले राजर्षि कहा था, इस बार महर्षि कहा, लेकिन फिर भी ब्रह्मर्षि नहीं कहा।
फिर ये तपस्या में लग गए और कठिन तपस्या करने लग गए। इंद्र ने देखा ये कठोर तप कर रहे हैं। इंद्र ने इस बार रंभा को भेजा। रंभा भी श्रेष्ठ अप्सरा है, सुंदरी है, गान कला में निपुण है और वो आई इनके आश्रम में, हिमालय में तप कर रहे थे और इनके सामने नाचने गाने लग गई, मोहित करने के लिए काम संबंधी गीत गाए। ये कई बार इनका तप नष्ट हो चुका था। मेनका के साथ, फिर शुनाशेप के साथ, फिर विश्वामित्र ने इनके लड़कों को जलाया था, तब नष्ट हुआ। कई बार इनका तप नष्ट हुआ। इन्होंने, विश्वामित्र ने रंभा को देखा और क्रोध किया, ये अप्सराएं आकर के हमारा तप नष्ट करती हैं और इन अप्सराओं को दंड देना चाहिए या इनको विनाश कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, रंभे, क्रोध से देखा आंखें लाल, रंभा कांप गई और जा, तू पाषाण बन जा, पत्थर बन जा। क्रोध में इन्होंने शाप दिया और तप इनका नष्ट हो गया। हजार वर्ष जो तप किया था, न खाना न पीना, वायु तक श्वास भी नहीं लेते थे, सांस मत खींचो, कितनी व्याकुलता, कितना कष्ट होता है। मनुष्य को मृत्यु के समान कष्ट होता है तप में। लेकिन ऐसे ऐसे कठोर तप भी इन्होंने काम क्रोध के वश में नष्ट कर दिए। इससे बड़ी शिक्षा मिलती है कि साधक को भगवान ने कहा है, पांच बटे छब्बीस गीता, काम क्रोध युक्ता नाम यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो यति काम क्रोध को छोड़ के चलता है, निश्चय वो भगवान की प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लेता है, निश्चय कर लेता है। लेकिन इन दोनों को छोड़ना खेल नहीं है। कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनम हे वैरिणम। ये वैरी हैं। कोई साधक साधन करने चलता है
ये दोनों आते हैं काम से या क्रोध से, दोनों से उसके तप को नष्ट कर देते हैं। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सोचने लग गए कि चाहे अनंत वर्ष हमको तप करना पड़े, तपस्वी मरता नहीं है, तप से उम्र बढ़ती है। मनुष्य सोचता है हम खूब खा लें, अनाहार से उम्र बढ़ती है, इसलिए हमारे यहाँ व्रत रखने का विधान है। व्रत रखने वाला उसकी उम्र बढ़ती है और हमारी माता जी थी वो 90 साल से अधिक जी, व्रत बहुत रखती थी, महीने में 6 व्रत, 2 एकादशी 2 प्रदोष। हम मना भी करते थे लेकिन बहुत व्रत करती थी। व्रत करने वाले के पाप जलते हैं, उम्र बढ़ती है और जो कामी है वो महाशनों बहुत खाता है, महापापमा होता है। तो इन्होंने फिर से तप पर किया कि जाए अनंत वर्ष हो जाएं, तपस्वी मरता नहीं है, तप से उम्र बढ़ती है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत, वेद का मंत्र है। देवताओं ने मौत को कैसे जीता? ब्रह्मचर्य और तपस्या। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत, मौत को मार डाला देवताओं ने। तो इन्होंने फिर से हजारों वर्ष तक श्वास भी नहीं लिया, खड़े हो रहे और आंख बंद करके न किसी को देखेंगे, क्योंकि अगर देखा अप्सराएं आएंगी तो काम सताएगा, काम नहीं सताएगा तो क्रोध सताएगा। क्रोध भी ठीक नहीं है, हमारे जंगल में क्यों आई, हमारे आश्रम में क्यों आई। तो इन्होंने श्वास भी नहीं लिया, ऐसा तपस्या किया 1000 वर्ष तक। अब इंद्र को फिक्र लगी, ये तो तपस्वी है, इसके आगे स्वर्ग कुछ नहीं है। उन्होंने महीने में एक दिन भोजन करते थे, इंद्र ब्राह्मण गुरु बना के आया और एक दिन जो उनका भोजन था वो मांग लिया। अब मंगता पे क्रोध नहीं किया जा सकता, स्त्री पर तो क्रोध कर सकते हो, तुम गलत भाव से क्यों आई हो, चली जाओ, हमारे आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश नहीं है। लेकिन मंगता को कैसे कहेंगे, मंगता तो कोई भोग भोगने आया नहीं है, वो तो दीन दशा में आता है, मैं मर रहा हूँ, प्राण निकल रहे हैं, मुझे भोजन दे दो। इन्होंने भोजन दे दिया, और श्वास रोक करके तप फिर करने लग गए। तो उस तप से इतनी शक्ति बनी कि इनकी सिर से
ज्वालाएं निकलने लग गई, अग्नि की ज्वालाएं। तप में अनंत शक्ति है, सब देवता डर गए, ये ज्वाला कहां से आ रही है। वो साधारण आग नहीं थी, शक्ति विशिष्ट अग्नि थी। देवता सोचने लग गए हमारा स्वर्ग लोग न जल जाए। ब्रह्मा जी के पास गए सब लोग, बोले पितामह इनको रोको, स्वर्ग जल जाएगा। स्वर्ग इसलिए जल जाएगा कि इनका देवताओं से प्रेम नहीं था, देवताओं ने मना कर दिया था वशिष्ठ के यज्ञ में, इसलिए देवताओं के प्रति इनका अभाव था। और तपस्वी जब अभाव करता है, अभाव कह लो, घृणा कह लो, द्वेष कर लो, द्रोह कर लो, तो जिससे करता है उसका नुकसान जरूर होता है। इसलिए भक्तमार्ग में लिखा है, देखो भाई भक्तों से सदा हार मान लेना, हरिजन तो हारा भला, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारे हरि के जाएंगे, जीते जम के द्वार। जो हार मानता है वो भगवान के पास जाता है, और जो उसे जीतने का प्रयत्न करता है यमराज के दरवाजे जाता है। कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन वो भगवत भक्त से द्रोह करता है तो उसका विनाश हो जाता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, जब ही विभीषण त्यागा, भयाउ विभव बिन तब ही अभागा, भयाउ विभव बिन तब ही अभागा। बोले जब विभीषण को उसने छोड़ा था, उसकी श्री तो उसी दिन नष्ट हो गई थी। विभवहीन माने श्री चला जाना, श्री में संपत्ति आती है, प्रभाव आता है, ऐश्वर्य आता है, शोभा, बहुत सी चीजें श्री में आती हैं। मनुष्य जब भक्तों से द्रोह करता है तो उसकी श्री चली जाती है। बोले रावण तो पहले ही मर गया था, रावण राम ने जो युद्ध किया वो मरे को मारा है। अस कहीं चला विभीषण तब ही, अस कहीं चला विभीषण तब ही, आयु हीन भय सब तब ही, आयु हीन भय तब ही। जब विभीषण चला था
उसी समय सब लंका वाले मर गए थे। विभीषण ने कहा था अस कही, क्या कहा था, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। अरे रावण, राम तो भगवान है, सत्य संकल्प है, तेरी सभा एक सारी की सारी सभा काल के अधीन है, मैं हरि शरण जाऊं अब हमें देह मत खोर। तुम हमें, तुमने हमको निकाल दिया इसलिए हम जा रहे हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। रावण की श्री उसी दिन चली गई थी, रावण उसी दिन मर गया था। यह युद्ध हुआ जो नाटक था, आयुहीन भय सब तब ही। मनुष्य कभी कभी ऐसे काम कर लेता है कि वो जिंदा तो रहता है लेकिन उसकी श्री चली जाती है, वो प्रभाव, वो आकर्षण, वो सब, वो शोभा नहीं रहती, श्रीहीन हो जाता है। श्रीहीन माने एक तरह से मर गया। भगवान ने गीता के आखिरी श्लोक में कहा है, 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, संजय ने कहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर मतिर मम। जहां श्री कृष्ण हैं, जहां भक्त हैं उनके अर्जुन, वही श्री है, वही विजय है, वही भूति है, संपत्तियां, निश्चय समझ लो। जहां भगवत भक्ति नहीं है वहां श्री नहीं रहती है। बड़े बड़े स्थानधारी हैं, हजारों लोग भोजन करते हैं रोज, लेकिन देखा गया श्री नहीं रहती है। संपत्ति तो है, श्री नहीं है। श्री एक अलग चीज है। येन जनः आश्रयणीयो भवति। श्री क्या चीज है? श्री जी को श्री कहा गया, कृष्ण की शोभा ही है श्री। जहां श्री नहीं है, जैसे देखो उदाहरण देते हैं, वृंदावन भी एक धाम है और अयोध्या भी एक धाम है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। भगवान राम की जन्मभूमि है, लीला भूमि है, सब बातें हैं, लेकिन ये अनुभव करके देख लो, कोई पक्षपात की बात नहीं है। जो श्री वृंदावन में है वो अवध में नहीं है। यहां गली गली रास, गली गली आकर्षण, यद्यपि वो भी भगवत धाम है, लेकिन वहां वैसी श्री नहीं है, क्योंकि राम ने श्री जी सीता जी को छोड़ दिया था अंतिम समय में, और सीता अवध से चली गई थी।
और वाल्मीकि आश्रम में रही थी, वहीं लवकुश का जन्म हुआ था। दोबारा आई हैं अयोध्या वालों ने बुलवाया था, लवकुश को वाल्मीकि ने रामायण सिखा दिया था और ऐसा गाते थे कि अवधवासी सुन के पागल हो गए, ऐसा संगीत सुन करके। और उस संगीत में उन्होंने सीता जी के यश गाया। पहले तो युद्ध हुआ, लवकुश ने घोड़ा पकड़ लिया था, ये हमने पढ़ा है, ये केवल कथा नहीं है, जैविनीय अश्वमेध पर्व में लवकुश घोड़ा पकड़ लेते हैं, राम का जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है उसको वो पकड़ लेते हैं, जब पकड़ते हैं तो युद्ध होता है। उस युद्ध में हनुमान, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब हार जाते हैं और यहाँ तक कि लव पकड़ के ले जाते हैं हनुमान को सिर पर। उनको पता नहीं था कि ये माता इस बंदर को पहचानती है, बोले माँ ये बड़ा बलि बंदर था, इसको पकड़ के लाया हूँ। जब उन्होंने पटका हनुमान को सिर से उठा करके तो सीता जी रोने लग गई, अरे लव ये क्या किया तेने? बोले क्यों? अरे यही तो है हनुमान जो हमको अशोक वाटिका में इन्होंने संदेश दिया था, राम हैं और इनके आवाहन पर राम आए थे और हमको जीत के ले गए थे, ये तूने क्या किया? छोड़ छोड़। तो हनुमान जी को छुड़वाया, भरत शत्रुघ्न सब हार गए थे, लवकुश को ऐसी विद्या सिखाई थी वाल्मीकि ने। और विद्या का जहाँ श्री जी हैं, जहाँ श्री है वहाँ विजय है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर मम। वहाँ विजय है, शोभा है, सौंदर्य है। तो सीता जी को बुलाया गया, अयोध्या वालों को पछतावा हुआ कि हमने निंदा किया, इसलिए राम ने छोड़ दिया सीता को। उन्होंने फिर से बुलाया सीता जी को, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में बुलावा गया। सीता जी ने कहा कि ऋषि अब मैं अयोध्या क्यों जाऊं? अयोध्या वालों ने हमारी बुराई किया था, रात को गुप्तचरों ने बताया था कि अयोध्या वासी बुराई कर रहे हैं। रामायण लिखा सीय निंदक अघ ओघ निसाए, सीता के पाप का, निंदा का जो पाप महासती, उस पाप को धाम ने जलाया। धाम की महिमा भगवान से बड़ी है, इसलिए कहा गया है रे मन बिंदा बिपिन निहार, वृंदावन नहीं छोड़ो,
यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, तदपि न हाथ पसार। और विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को ननिहार, हरिहु को ननिहार, यहाँ की मिट्टी में पड़े रहो। जय श्री भट्ट धूरी धूसर तनु, जय श्री भट्ट धूरी धूसर तनु, या आशा और धार, या आशा और धार। ब्रजवासी मथुरा भी नहीं गए कृष्ण से मिलने, धाम नहीं छोड़ा, जहाँ राधा है वहीं श्री है। श्री शब्द की परिभाषा है, ये न श्रीयते सर्वैः हरिणा च सा श्री, जिनके द्वारा भगवान भी आश्रयणी बनते हैं। भगवान में सौंदर्य है, रस है, रूप है, इसलिए लोग भगवान के भजन करते हैं। हरिणा श्रीयते इति श्री है, अथवा हरिम श्रयते इति श्री है। श्री कौन है जिसके द्वारा श्री भगवान भी आश्रयणी आश्रय के योग बन जाते हैं, वो है श्री। समझो श्री क्या, श्री के माने क्या होते हैं। ये न हरि आश्रयणीयो भवति, वो है श्री। तो सीता जी को बुलाया गया, वो दोबारा गई। वाल्मीकि ने कहा बेटी एक बार और चली जाओ, राम का यज्ञ पूरा हो जाए। वाल्मीकि को उन्होंने आश्रय लिया था, वाल्मीकि ने आश्रय दिया था, पिता का भाव था, इसलिए चली गई। वहाँ जब पहुँची तो वाल्मीकि ने खड़े होकर के सबके बीच में कहा, सीता परम सती है, जो सीता का निंदक है वह अनंत काल तक कष्ट पाएगा। तो अयोध्या वालों ने कहा कि एक बार और अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। वहां लंका में अग्नि परीक्षा हुई थी तो अयोध्या वाले नहीं थे। ये बात सुन करके सीता जी को दुख हुआ, बोले अच्छा मैं दूंगी तो सही अग्नि परीक्षा, क्योंकि मैं महासती हूं, लेकिन इसका परिणाम बुरा होगा। सोचते हैं सीता जी को अग्नि लाया, अग्नि नहीं जला पाया, और उन्होंने खड़ी होकर के कहा, माँ पृथ्वी से निकली थी सीता जी, धरती मेरी माँ है, ये संसार मेरे रहने लायक नहीं है, तू मुझे अपनी शरण में रख ले, अब इस अवध में मैं नहीं रहूंगी। त्याग दिया सीता जी ने, पृथ्वी फट गई और उसमें से सिंहासन निकला
और पृथ्वी माँ बैठी सिंहासन पर, सबके सामने सीता जी को लिया गोद में और नीचे चली गई। राम सीता का वियोग सह नहीं पाए, बोले पृथ्वी मैं तुझे खंड खंड टुकड़े कर दूंगा, तू सीता को कैसे ले गई। क्रोध किया उन्होंने, लेकिन सीता जी जा चुकी थी, वो लीन हो गई थी धरती में। वाल्मीकि ने रोका, राम क्रोध मत करो, ये सीता के रहने योग्य स्थान नहीं है। बार बार अग्नि परीक्षा ये लज्जा की बात है। तो यद्यप अयोध्या भी भगवत धाम है, लेकिन वहाँ वो आकर्षण नहीं है जो वृंदावन में है। वृंदावन में कृष्ण चले गए, राधा रानी नहीं गई। यहाँ जो श्री है, यहाँ जो आकर्षण है, यहाँ जो प्रेम है, वो कहीं नहीं है। अयोध्या वाले भी आके के यहीं वृंदावन में रहते हैं और यहाँ राम उपासना करते हैं, रामलीला करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि वृंदावन में श्री है। तो उसी तरह से रावण की श्री तो तभी चली गई थी जब मर गया था रावण, एक तरह से भक्तापराध किया था। तो वो सब तप मनुष्य को नष्ट होता है यदि संभल के नहीं चलता है। अभी विश्वामित्री कथा और बाकी है।